ये सिंधी जो है हमारा 35,000 का है। तो क्वेटा में देख ले भाई कि ये सबसे महंगा जो है वो 45,000 और जो छोटा सा बच्चा है वो 15,000 रुपए का है। मुस्तफा हैदर, वाह वाह, वाओ पपी, साउंड्स चुक स्माइल कर दिनो ने गुड। मुस्तफा हैदर, आपने बहुत ही प्यारा स्माइल किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज ये व्लॉग को आगाज करते हैं भाई विटामिन डी एब्जॉर्ब करने से। तो मैं काफ़ी अरसे के बाद व्लॉग बना रहा हूं क्योंकि मैं घर के कामों में बिजी रहता हूं की वजह से। मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग को मिस किया और स्पेशली माय बीबी मुस्तफ़ा हैदर को। मुस्तफ़ा हैदर नहीं, मैंने नहीं जाना क्योंकि वो अभी सो रहा है। अगर वो अभी जाग जाए फिर उसको सुनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो खैर अभी चल के दिखाते हैं भाई के काम कहाँ तक पहुँच गया है। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज रख दूँ, लेकिन खैर आप लोग भी देख ली भाई कम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइल्स, ये क्या कहते हैं इसको, एवरी कलर। और इसकी जो स्पेशलिटी है मैं आपको बता दूँ, इसको कहते हैं भाई नैनो पॉलिश टाइल, जो हमने स्पेशली मंगवाया था और मैट फ्लोरिंग के साथ। आधा काम हो चुका है और इसके क्या कहते हैं यहाँ पे लाइटिंग वगैरह, ये सुराख, ये तारे निकली हुए हैं, ये और कुछ छोटे मोटे काम अभी तक बाकी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यार मैंने देखा है कि पाकिस्तान के छोटे और बड़े यूट्यूबर्स सब का एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो है बकरा मंडी, जहाँ पे वो लोग जाते हैं और रेट का पता लगाते हैं और अवाम का माइंड रेडी करते हैं भाई कि इस साल बकरा ईद में बकरियों और वो क्या कहते हैं जानवर और गाय और ऊंट का रेट इतना है। तो खैर ख्याल में क्वेटा का पहला व्लॉगर मैं हूँगा जो आज मैं गाँव मंडी का रेट बता दूंगा रेट, और अगर हुआ तो एक जानवर ले आएंगे कुर्बानी के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुस्तफ़ा हैदर को भी साथ लेके जाऊंगा ताकि वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके और क्या कहते हैं इस दुनिया के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो इतनी कम उम्र से। साउंड्स गुड, रास्ता वो है मेरे भाई। तो खैर अभी मैं आगे निकल चुका हूँ तो इस रास्ते को कहते हैं अल्लाह हाफिज़ टाटा। ओहो मज़े की बात यह है कि मुस्तफ़ा हैदर की पुपी जान भी आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद से वापस आ रही है। तो यस साउंड्स गुड, यस सात दरवाजे पार करके मैं फाइनली पहुंच गया अपने रूम। ये रहा वो रास्ता जहाँ से मैंने क्रॉस किया था। यस तो अभी तैयार हो के मिलते हैं अगली सीन में। साउंड स्पॉट पठान सर, ये चाय का ब्रेक कर लो यार अभी। कैसे? चाय का ब्रेक। हाँ और ये अभी गली का काम भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे डेढ़ इंच की टॉपिंग हो रहा है भाई अभी यहाँ पे। और भाई तबीयत सेट है? जबरदस्त। चलो भाई टॉपिंग से मुराद जो ऊपर वाला लेयर है उसको जो है हम लोगों ने स्मूथ करना है। तो इसीलिए घर का काम, घर में तो वैसे ही मिट्टी का जो क्या कहते हैं गर्द वार जारी था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ही बार में काम को खलास करते हैं। घर के काम तो होते रहेंगे भाई, लेकिन टोक्यो इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। कहाँ पे गया इसको मैंने डिलीवर करना है, उसके बाद वेलकम बैक टू क्वेटा। थैंक यू दादा। वही आपको याद है बचपन वाला सिग्नेचर हैंडशेक? हाँ मुझे याद है। चलो उसको फिर से एक बार रिवाइंड वो क्या कहते हैं ताज़ा करते हैं। आ जाओ 1 2 3 4 Yes. Yeah. तो यार देख ले ये हम लोग फुल फास्ट करते थे, लेकिन अब क्या करें एज का तकाजा है ना। तो ही मैं कह रहा हूँ ना कि एज का तकाजा है। तो चलते हैं भाई मुस्तफा हैदर के पास। Let's go. Please try to speak English. I can't understand your local language. Why? Because you started speaking English. Yeah, I'm also Once a Koitagi, forever Koitagi. I'm also a bachi Koita, lekin from now I can't understand. My English, Oh, chance.
वजीर नहीं डाला आपने? बड़े वाला क्योंकि ये खत्म होएगा, ये फिर बच जावे फिर किधर जाएगा ना, ये तो भरा हुआ है ना। चल ये भी ठीक है, सही है, जो कम हो जाएगा ना फिर वो वाला इस्तेमाल करेंगे। सही है, सही। असल में डेढ़ इंच कोल मसाला, गर्मियों में साया भी नहीं मिलता, ना जाने इसमें क्या है भाई इतना वजनी। आप लोगों को और वेट नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप लोग मिल रहे अपने फेवरेट पर्सन से, मुस्तफा हैदर। वाह 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 वाह, बोरे दिया ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डुन 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 डुन, टी 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 टी, मुस्तफा हैदर स्माइल स्माइल स्माइल। वी ना जाने आप लोगों से क्यों नाराज है। ओए होए ओपी, मुबारक हा। ये मेरी अम्मी लेके आई थी स्पेशली फॉर मुस्तफा हैदर पुपी, दिखा दो। अनपैकिंग अल ओपी टी पीम द एंटर खलतम। वाह 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 वाह, मेरा हो गया। इसकी खास बात ये है कि ये तस्वीर जब भी ये तस्वीर देता है तो उसी वक्त निकलता है तस्वीर। यस तो सबसे पहले मुस्तफा हैदर का तस्वीर लेंगे इसके साथ, डन। डिलीवर नहीं किया तो खैर। रास्ते में चलते चलते भाई ये छोटा सा मंडी आ गया है, मैंने सोचा कि चलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, खूब इंजन खूबा खूबी। रेट किस तरह है बकरियों और बकरों? अच्छा रेट है तो भाई एक विजिट कर ले यार। तो ये सारे बेचारे भी ईद के बाद या ईद से पहले कुर्बान हो जाएंगे। इसका नाम क्या है रखा है आप लोगों ने? इसका नाम है सिंधी। यार सिंधी तो चालन छोड़ू, मुझे थोड़ा बहुत सिंधी आता है। ये माशाल्लाह बहुत इसका साइज ज़बरदस्त है। हाँ इस सिंधी का कीमत क्या है? 35,000। यार देख ले कोयटा में इतना बड़ा सा दुम्बा, माशाल्लाह माशाल्लाह 35,000 में। वो देखो इसने मुझे हेड मारा यार। लाहौर कराची में ये दुम्बे जो है वो 1,10,000 रुपये में। हाँ ये रेट लाहौर कराची का है, कोयटा का नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं कोयटा का रेट भी ख़राब हो जाए मेरे इस एक बयान की वजह से। वो ये सिंधी जो है हमारा 35,000 का है। सबसे महंगा दुम्बा कहाँ है? सिंधी ये 45,000। गुलाब खान ये माशाल्लाह साइज देख लें, और ये गुलाब खान को देख लो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है 35,000 रुपये में, नहीं 45। हाँ वो 45। अच्छा 45,000 का है ये गुलाब खान कोयटा में। छोटा वाला और सस्ता कौन सा है? हाँ ये वाला है। कौन सा? ये बेचारा ओए होए, ये तो बच्चा है अभी तक। दो दंद है इसका, एक दंद है नहीं, ये भी बच्चा है। बच्चा छः महीने के जी। तो इस 6 महीने को छोड़ दो यार, इस बच्चे को क्या करना है आप लोगों ने? ये कितने का बोला आपने? ये 15,000। तो ये बच्चा अगर आप लोग लेंगे ये 15,000 रुपये का है ओनली। तो कोयटा में देख लें भाई कि ये सबसे महंगा जो है वो 45,000, और जो छोटा सा बच्चा है वो 15,000 रुपये का है। तो होए तो एक हफ्ते बाद चक्कर लगाएंगे जब यहाँ पे गाँव वगैरह भी आएगा। ₹50-60 इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँ। कराची वालों या लाहौर वालों आओ, आप लोग कोयटा से दुम्बा लेके जाओ। आप लोग आने जाने का ट्रांसपोर्ट होगा कितने का? अगर आप लोग बस पे आ जाए चले 10-10-20,000 रुपये हो गए, ठीक है। और एक दिन का स्टे 10,000 वो लोग कर ले, 30,000 प्लस 45,000 75,000 रुपये का एक बड़ा दुम्बा हो गया। 50,000 रुपये आप लोगों को बचत हो जाएगा। इसको कहते हैं भाई बिजनेस, पैसा ही पैसा हो गया। पठान भाई बना तैयार है। वाह वाह ये देख ले गोल गोल बर्फ। साउंड्स गोल।
लस्सी के साथ जाए जुआना खाने। Six and a half hours later. तो भी सीन कुछ इस तरह है कि बाहर तेज हवा के साथ मंडी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं मुस्तफ़ा हैदर को मंडी नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन ईद से पहले मैं एक बार ज़रूर लेके जाऊँगा अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। लेकिन वो फ़ोटोशूट तो करेंगे उसके पोपी की कैमरा से। देख लें, रात हो गया, मैं बाहर गया था काम से, तो अभी मुस्तफ़ा हैदर रहा बेबी मुस्तफ़ा हैदर। तो मुस्तफ़ा हैदर की पुपी, आपका कैमरा रेडी है? Yes. दिखा दे मुझे। वाओ, साउंड्स कूल। मुस्तफ़ा हैदर, आर यू रेडी? स्माइल। फर्स्ट शॉट टेकन। वाओ, फास्ट सर्विस। यार दिखा दे मेरे व्यूअर्स को, ये तो ब्लैक है। और ये देख ले, तस्वीर जो है वो डार्क होता जा रहा है। Wow, puppy. Sounds. चुको स्माइल कर दिनों ना। Good. मुस्तफा हैदर, आपने बहुत ही प्यारा स्माइल किया है। Yes. जब तक बोलूँ। ये मुझे दिखा दे। Wow. ये डार्क होता जा रहा है। इसके पीछे आप डेट लिख दे, ओके? ओके, नीचे। Yes. नीचे एंड पीछे। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आया है मुस्तफ़ा हैदर का, इंस्टेंट तस्वीर। वाओ, तो इसके साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वस्सलाम, ख़त्म।